सो गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। तो वापस आ चुका है फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लाए आप लोगों के लिए नोटबुक्स, यहाँ पे लग्जर की तरफ से आने वाले कुछ नोटबुक्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज पे सबसे बेस्ट हैं। और मुझे लगता है इस प्राइस रेंज पे आपको लग्जर के सबसे बेस्ट नोटबुक यही है जो मैं आपको फिलहाल दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि इसमें कॉम्बो डील था। पायलट की एक सीरीज थी, वो भी आपको पेन मिलती है फ्री में। पायलट की 3 पेन्स आपको इस नोटबुक के साथ, और ये मैंने साइट से परचेस किया है। तो ये भी ऑनलाइन ही परचेस किया हुआ है और ये भी ऑनलाइन ही परचेस, और दोनों ही की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लग्जर के इस नोटबुक के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1 सब्जेक्ट प्रीमियम नोटबुक मिल जाएगी। यहाँ पे सिंगल रूल्ड लाइन, मतलब लाइन वाली नोटबुक है। ये मैंने नोट्स के लिए परचेस किया होता, तो ये वैसे नॉर्मल सी व्हाइट वाली है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग यहाँ पे 250 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैंने इसे 200 रुपीज में परचेस। और यहाँ पे 2 नोटबुक्स आपको देखने को मिलते हैं बैक साइड में, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। और ये ऑनलाइन लेने का यही फायदा है कि कॉपी जो भी आपको डिलीवर होंगे बहुत तगड़े, मतलब पैकिंग के साथ डिलीवर होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को भी ऑनलाइन ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन लेने से बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। उसमें आपको 2 नोटबुक्स देखने को मिलते हैं जो कि अगर साइज कंपेरिजन करें तो A4 साइज से ये बड़ा है यहाँ पे। और ये आपको जो नॉर्मल डायरी वाली दिखती है साइज, जो भी आता है वो साइज में आपको देखने को मिलता है। नोट्स मेकिंग के लिए ये सबसे बेस्ट नोटबुक माना जाता है। और ऐसा ही मैंने एक सिमिलर कॉपी का अनबॉक्सिंग किया हुआ है एवेंजर वाली एडिशन की, तो उसकी भी मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो डिजाइन की बात करते तो डिजाइन आपको इस तरह से कुछ 3D प्रिंट में आपको देखने को मिलता है लग्जर का। तो नोटबुक के पीछे के साइड कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिटेल प्राइस 125 रुपीज 1 नोटबुक का यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर बात कर ले पेजेस की तो आपको 160 पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और मैं बोलूंगा पेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है, जैसे प्रैक्टिकल वाली जो नोटबुक आती है क्लासमेट की, सेम वैसा ही पेज आपको देखने को मिलता है व्हाइट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट की, व्हाइटनेस की। और आपको अगर पेपर की अगर क्वालिटी की बात करूँ, पेपर क्वालिटी बहुत सही है। हाँ, मुझे लगता है आपको थोड़ी क्लासमेट वगैरह से तो आपको पतली मिलेगी, लेकिन हाँ आपको सस्ता भी प्राइस मिल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में नोटबुक्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। क्योंकि स्टेशनरी भी एक चीज़ थी जो पहले सस्ती मिलती थी, लेकिन अब वो भी थोड़ी थोड़ी हाई हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ पेजेस आपको मिलते हैं। और सेम सिमिलर आपको ऐसा ही दूसरी नोटबुक में भी है कि अगर बात कर ले तो फ्रंट के साइड में बहुत सुंदर सा उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, को सेल्फी फोटो जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह जो भी इनका फ्रंट से पेज होता है, तो मैं इससे भी कंपेयर करता हूँ। अगर पेज की अगर क्वालिटी की बात करें तो दोनों सिमिलर ही पेज है, दोनों पतली पेज है, क्योंकि लग्जर ने बनाया है तो आपको अच्छी बात है सिम देख के बनाएगा। तो पेज में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये चीज़ है अगर आप लोग पानी वगैरह में डालते हो तो जल्दी ये क्लासमेट के कंपेरिजन में जल्दी थोड़ा खराब हो जाएगा। तो अब अगर हम इस नोटबुक की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट नोटबुक देखने को मिलता है। तो इसमें आपको व्हाइटनेस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। प्लस यहाँ पे जो आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है 210 रुपीज 300 पेजेस की ये नोटबुक है। यहाँ पे 160 पेजेस, यहाँ पे 160 पेजेस, तो एक तरह से आप बोल सकते हो 320 पेजेस ये भी हो गई हैं, और यहाँ पे 300 पेजेस का ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपको ये आपको साइज थोड़ा सा कम मिलेगा देखने को। और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था उस वीडियो में भी कि इसमें सेक्शनल डिवीजन है। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट बना रहे हो तो यहाँ से दूसरे सब्जेक्ट को अलग कर सकते हो, यहाँ से दूसरे सब्जेक्ट को, और यहाँ से दूसरे सब्जेक्ट को। पीछे के साइड कुछ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट V7 का, तो वो भी वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन चलिए अब इस कॉपी पे हम सबसे पहले बॉल और जेल दोनों ही पेन्स का यूज करके देखते हैं क्या किसका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले हम स्ट्राइकर को लेंगे, क्योंकि मेरा तो पर्सनल अब थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ फेवरेट लिस्ट अब बड़ी हो रही है पेन्स के मामले में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेलो स्ट्राइकर, जो कि राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, और आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो राइटिंग एक्सपीरियंस इसका। और सच बताऊँ तो मुझे पसंद आया इसका राइटिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लिखते हैं लग्जर और लिख देते हैं यहाँ पे पेज 160। तो ये है सेलो स्ट्राइकर की राइटिंग। देन हम ट्राई करते हैं जेल, ये तो हुआ बॉल जो कि स्मस नहीं होगी, और देन हम जेल ट्राई करते हैं। हमारे पास जिफी जेल है जो कि रिलायंस का है, तो इसे भी ट्राई करते हैं आखिर कैसा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिफी का कमाल, यहाँ पे इंक ये भी ड्रॉप कर रहा है रिलायंस जिफी, लेकिन राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है। वैसे तो ग्रीन कलर है तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं ये पायलट का हाईटेक पॉइंट, देन हम लिखते हैं पायलट का हाईटेक पॉइंट से देखते हैं आखिर इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो फुल एकदम मचाओ वाला फील है यहाँ पे। तो सबसे अगर बेस्ट राइटिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पायलट की हाईटेक पॉइंट बहुत तगड़ी चल रही है। स्ट्राइकर भी पीछे नहीं है, अगर सच बात बताऊँ तो स्ट्राइकर 10 रुपए के हिसाब से मुझे तबाही लग रही है। यहाँ पे एकदम स्मूथ चल रही है सारे में। अगर स्मूथनेस बेस्ट स्मूथनेस अगर मैं बात करूँ इस पेज पे तो यहाँ पे स्ट्राइकर की है सबसे बेस्ट स्मूथनेस, यहाँ पे स्ट्राइकर ही प्रोवाइड करा रहा है, तो ये चीज आप लोग नोटिस करना। देन हम दूसरे हमारे लग्जर के कॉपी पे ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पायलट के हाईटेक पॉइंट से ही ट्राई करेंगे नोट्स वाले में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पायलट और यहाँ पे लिखते हैं हाईटेक पॉइंट। तो इस नोटबुक पे और ज्यादा तबाही चल रही है हमारी पायलट की हाईटेक पॉइंट,
और दूसरा पेन ट्राई करते हैं, सबसे पहले स्ट्राइकर। तो सेलो स्ट्राइकर, तो ये भी पेन मक्खन, फुल स्मूथ, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और इस अगर यहाँ पे बोलूँ स्मूथनेस की, तो स्मूथनेस बहुत तबाही है। और सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट ट्राई करते हैं रिलायंस का जो जेल है हमारे पास। तो राइटिंग एक्सपीरियंस दोनों ही नोटबुक की बहुत तगड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो। बैक साइड अगर बात करें तो प्रिंटिंग ज्यादा नहीं छोड़ रही है, बट हाँ हल्की फुल्की छोड़ रही है। तो ये नॉर्मल सी बात है, सारी नोटबुक छोड़ दो। तो गाइस मुझे लगता है इस प्राइस रेंज पे आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट नोटबुक होने वाला है लग्जर की तरफ से ऑनलाइन जो बिकने वाला है। तो लिंक्स में दोनों की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे किसी नए फ्रेश वीडियो के साथ वापस। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।